देखो दोस्तों, अभी मैं अपने होम टाउन सेरा गांव में हूँ। वो रहा सेरा गांव का बोर्ड, जो भी आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सेरा गांव का बोर्ड ये रहा, और ये हमारे सामने की पहाड़ी है। और अभी मैं यहाँ पे इवनिंग वॉक पे निकला हूँ। इवनिंग वॉक, पूरी रोड खाली है, बस मैं ही हूँ रोड पे, और कोई नहीं। चारों साइड में झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, यही है। जैसे आप देख सकते हो, आसमान पूरा साफ तो नहीं है, बादल लगे हुए हैं। और आसपास का नज़ारा, अगर ऐसी इवनिंग वॉक और मॉर्निंग वॉक हर कोई इंसान पहाड़ों में करे, चाहे वो शहर वाले हो या गांव वाले हो, तो हमारे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग ओनली 5% ही बीमार रहेंगे और 95% लोग स्वस्थ रहेंगे, अगर ऐसे ही हर किसी को इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक पहाड़ों में ऐसे मिले। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आसपास का व्यू आप देख सकते, इतना शांत है, कोई आवाज़ नहीं, ना किसी गाड़ी की आवाज़, ना किसी बाइक की आवाज़, ना किसी ची, ना पी, ना पा, ना टू, ना ची, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल शांत एरिया। ऐसे ही एरिया शहर के लोग ढूंढते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं कि वो पहाड़ों में जाएं और शांत से, यानी कि जगह में ट्रैवल करें, स्टे करें। महीने टू महीना भी लोग क्या बोलते हैं, गांव में होम स्टे लेते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ टाइम टाइम वो करते हैं, स्पेंड करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करवाते हैं। और हमारे उत्तराखंड में हम लोगों का गांव ही यानी कि यहाँ पे है, तो हम जैसे लोग भी यानी कि यहाँ पे कम टाइम दे पाते हैं अपनी ज़िंदगी को, लेकिन बाहर के लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं गाँव में। देख सकते कितना हरा भरा खेत है, इतना बढ़िया वो है नज़ारा है। यहाँ पे है हमारा घर, इसके जस्ट ऊपर देख सकते कितना मस्त व्यू है। ऐसा व्यू आपको को कहीं मिलेगा, इतनी ठंडी हवा कि अभी आप अगर यहाँ पे होते तो कहते वाह, इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं। पूरा शांत, कोई बंदा नहीं, दूर दूर तक कहीं भी नज़र डालो, बस पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, और कुछ नहीं। इस जगह को कहते हैं असली लाइफ। असली लाइफ तो जो शहर के लोग हैं उन्होंने नहीं, असली लाइफ तो जी है गाँव वालों ने, जो गाँव में पहाड़ों में रहते हैं। मैं खाली पहाड़ों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, और मतलब कि और गाँव की बात भी कर रहा हूँ, जो गाँव जैसे कि यूपी में, बिहार, राजस्थान, जहाँ पे हरा भरा है, उन जगहों की बात कर रहा हूँ। उन जगहों का कुछ व्यू ही अलग होता है, वहाँ का जो शांत होता है एरिया, वही होता है लाइफ जीने की। इतना ज़रूर है कि यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत, मजदूरी, हार्ड वर्क वाला काम है, जिसकी वजह से लोग इतना हार्ड वर्क, जो अब की जनरेशन है वो इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकती है जितना हार्ड वर्क हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो कर चुकी है। आपकी जनरेशन खाली लैपटॉप में और इजी टू वर्क जानती है, और वो इजी टू वर्क यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ से लोग जो अब के हैं, नई जनरेशन है, वो यहाँ से शहरों में शिफ्ट हो चुकी है, शहरों में रहना चाहती है, गाँव में नहीं रहना चाहते वो, क्योंकि गाँव में कमाने का कोई साधन नहीं है, मतलब कि इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं है, मेहनत मजदूरी है वही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे गांव सूने पड़े हुए हैं, रोड सूनी पड़ी है। अगर आप यही व्यू अगर आप आज से 10 साल पहले देखते तो पूरा गांव आपको भरा मिलता, रोड आपको मतलब कि इतना खाली भी नहीं मिलते, मिलते लेकिन इतना खाली नहीं मिलते जो कि अब आपको इतना खाली रोड मिल रहे हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता आगे आगे, क्या पता कुछ ऐसा वो आ जाए, कंडीशन आ जाए कि लोग जो हमारी अब की जनरेशन है या आने वाली जनरेशन है, गांव में ही प्रेफर करे रहना। बस सरकार से इतनी अपील है कि वो गांव में 4-5 चीज़ें का साधन कर दे, जैसे कि पहली रोड पहुंचवा दे, जहां जहां रोड नहीं पहुंच रखी है, बिजली पहुंचवा दे, क्योंकि बिजली भी यहां कम रहती है, उत्तराखंड तो मेन बिजली का सोर्स है, और यहीं पे बिजली अगर नहीं होगी तो लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे। तो तीसरा, यहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क, अगर यहाँ पे इंटरनेट और नेटवर्क की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो वर्क फ्रॉम होम भी
आपकी जनरेशन वाले या आने वाली जनरेशन वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सरकार से यही उम्मीद करता हूँ मैं कि वो क्या बोलते हैं, रोड, बिजली, इंटरनेट और नेटवर्क कि पूरा यानी कि बंदोबस्त करें, तो हमारे जो उत्तराखंड के भाई बहन जो अभी आपकी जनरेशन है जो शहरों में जाके बसने की सोचती है, वो थोड़ा बहुत यानी कि 50% गांव की तरफ दोबारा से अपने आप को प्रेफर कर सकती है। क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे गांव हैं जो बहुत दूर दूर हैं, वहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से लोग यानी प्रेफर नहीं करते गाँव में रहने का। इंटरनेट की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है कई जगहों पे। तो सरकार से बस यही उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्द पूरा करे, इन हरे भरे हमारे उत्तराखंड को नष्ट होने से बचाए, नहीं तो हमारा उत्तराखंड धीरे धीरे जैसे गांव ख़त्म होते जा रहे हैं, खाली होते जा रहे हैं, वो चीज़ें रुक सकती है। थैंक यू।